देखिए, आज ना आम आदमी पार्टी देश के मुद्दे बना सकती है, ना कांग्रेस बना सकती है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। देश के मुद्दे देश की जनता ने तय किए हुए हैं। मुद्दा क्या है? महंगाई आज सर के ऊपर निकल गई है। पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, घी हो, तेल हो, दाल हो, दही हो, पनीर हो, सब लूट मची हुई है। बेरोजगारी इतनी है कि एक एक पोस्ट के लिए लाखों लोग धक्के खाते हुए घूम रहे हैं। किसान को एमएसपी अब तक नहीं मिला, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे गोलियां पड़ रही हैं। तो आज मुद्दे ये हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस आज़ादी को हमने 1947 में पाया, आज उस आज़ादी के ऊपर खतरा है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो सीबीआई ईडी द्वारा आप जेल में ठूस दिए जाएंगे। हो सकता है 24 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में दोबारा चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म कर दे। तो आज सबसे बड़े मुद्दे वो हैं जो देश की जनता लेके आ रही है, और ये हैं कि अगर देश नहीं बचा तो क्या कांग्रेस बचेगी और क्या आम आदमी पार्टी बचेगी। इसलिए सबको साथ आके देश को बचाना है। कल तक जो सवाल आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या आम आदमी पार्टी अभी भी उस लाइन पर बरकरार है? देखिए, हमारे सोर्सेस के हिसाब से अब सीएम साहब का गिरफ्तार होना बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, और इस बौखलाहट के अंदर वो ज़रूर इस तरीके के कदम उठाएंगे कि चलिए, इन्होंने अलायंस तो कर लिया, मगर इनका जो मेन वोट लाने वाला आदमी है अरविंद केजरीवाल, उसको जेल में डाला जाए। अब आप देखेंगे एक दो दिन के अंदर सीबीआई की तरफ से, अब मैं ईडी नहीं कह रहा, सीबीआई की तरफ से एक दो दिन के अंदर बहुत तीव्र कार्रवाई होने वाली है। जब गठबंधन में 2+2=4 होता है तो फिर पंजाब इस गणित से अलग क्यों रह गया? देखिए, पंजाब की परिस्थिति ऐसी है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। पंजाब में या तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है। तो इसलिए कोई खतरा पंजाब से नहीं है कि पंजाब की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बन सकती है। इसलिए बाकी जगहों पे गठबंधन किया गया, और लोकल यूनिट्स का दोनों का ही फीडबैक था, एक नहीं कि एक का था, कांग्रेस की लोकल यूनिट और आपकी लोकल यूनिट, दोनों ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें अकेले अकेले लड़ना चाहिए। तो ठीक है, उधर भरूच सीट हासिल करना कितना मुश्किल है के लिए और कांग्रेस के लिए इसे छोड़ देना? देखिए, कांग्रेस के लिए एक इमोशनल मामला था कि उनके एक पुराने दिवंगत नेता का परिवार उस सीट को चाहता था, और हमने उस बात को बहुत इज्जत से समझा भी। मगर जैसे कांग्रेस के लिए भरूच था, हमारे लिए चंडीगढ़ था। पंजाब के लिए चंडीगढ़, बिल्कुल चंडीगढ़ से अलग नहीं किया जा सकता पंजाब को, हमारे लिए गोवा था, क्योंकि गोवा में हमारी 2 सीटें हैं, हम जीते थे। मगर जहां हमने फिर पंजाब में चंडीगढ़ और गोवा का त्याग किया, वहां कांग्रेस ने फिर भरूच का त्याग किया। बड़ा त्याग किसने किया? बड़ा त्याग तो गठबंधन के धर्म में सब कर रहे हैं, और अब गठबंधन के धर्म में तो ये हो गया कि बड़ा त्याग आपने किया, बड़ा त्याग आपने किया, सब लोग आज जो है यही बड़ी बात है। एक समय था जब गठबंधन में लड़ाई ये होती थी कि हमने ज्यादा ले लिया, हमने ज्यादा ले लिया। आज गठबंधन के अंदर यह देखो हमने बड़ा त्याग कर दिया, देखो हमने बड़ा त्याग कर दिया। जब चुनाव प्रचार का मंच सजेगा तो गठबंधन की जो सीटें आमादा है, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री उन सीटों तक चुनाव प्रचार को लेकर सीमित रहेंगे या कांग्रेस पार्टी के लिए अन्य सीटों पर भी देशभर में चुनाव? देखिए, मोटे तौर पे इन प्रिंसिपल मैं ये समझता हूँ कि गठबंधन के अंदर तो दिल्ली की 7ों सीटें इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, 3 पे उम्मीदवार कांग्रेस तय कर रही है, 4 पे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी तय कर रही है, मगर सब जगह 7ों जगह इंडिया लड़ रहा है। और मुझे लगता है गठबंधन के अंदर जब हमारी मीटिंग्स होंगी, उसमें जो तय होगा, जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरा करेगा।